आधे घंटे से बैठा हूं यार, कुछ तो बोल। तो चल सिगरेट पिता जा। बैठो तो। इंडिया फोन किया था? हाँ। ये इंडिया फोन करके तो हमेशा अपसेट हो जाता है, फिर फोन क्यों करता है? मैक से बात करने के लिए। लेकिन उसके लिए ऐसे मजनू नहीं बना जाता सागर। सागर तू चाहता है उसे, एक्सेप्ट कर ले, बता दे उसको तू चाहता है उसे। एक बार कोशिश की। अरे सागर तुम बता, सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पहले मैं बताऊँ? नहीं पहले मैं बताऊँ। अरे अजीब आदमी है, लेडीज फर्स्ट। अच्छा बाबा जल्दी बताओ। ओके यू लिसनिंग? यस टेल मी। ओके आई लाइक समवन। व्हाई डोंट यू जस्ट टेल मी? आई लाइक समवन। अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या कहना था? नहीं मैं एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। क्या? I think Sameer also likes you. Really? I think you'll make a good couple. Thank you. छोड़ होता है, ले। You win some, you lose some. It's not some. It's always one that matters. महक? जी मामा। तुमने जो किया ठीक नहीं किया। शायद नहीं मामा। मैंने समीर की सारी बातें सुनी। मैं तो सालों से सुनती आ रही हूं, आज शायद वो सच भी कह रहा हो। But I don't have the patience or the strength anymore, Mama. कशिश ठीक कहती है, मुझ में और समीर में बहुत फर्क है। लेकिन ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। आज तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे दिल पर लगे चोट का एहसास देखा है। लेकिन वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। प्यार करते वक्त तुमने ये शर्त रखी थी क्या? देखो बेटा, कल क्या होगा इस पर हमारा बस नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान को पता है। शादी हो ना हो वो दूसरी बात है बेटा, लेकिन आज सच्चाई यही है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और अगर प्यार करने की तुमने हिम्मत की है तो उसके अंजाम से डरना क्या? नहीं आया। वो वक्त पे आया कब है जो आ जाएगा?
आ जाएगा, किसी काम में उलझ गया होगा। इंसान को ऐसे काम करने नहीं चाहिए जिसमें वो उलझ जाए। नहीं, दरअसल उसका फोन आया था, कह रहा था अभी आता होगा। अम्मी आप खामखा उसे डिफेंड करती रहती है, दो घंटे से तो हम लोग सब साथ में बैठे, अब तक तो उसका फोन नहीं आया। शाहीन, उसने दो घंटे पहले फोन किया होगा। तो हमेशा समीर की गलतियां क्यों ढूंढती रहती हूँ? क्योंकि वो गलतियां करता है। इसका मतलब है बाल खुले हुए, हाल बेहाल, आंखों में आंसू, ये वक्त तो तुम्हारे मामू ने भी देखा हुआ है। तो मामू फिर आपने शादी क्यों नहीं की? शादी वो क्या है कि तुम्हारा मामू बहुत कमजोर दिल है, उस पर रोने की हिम्मत ही नहीं है। वो ना तो खुद रोता है ना किसी को रोते हुए देख सकता है। लेकिन तुम्हारा मामू है बहुत इंसान पसंद। अब देखो ना, एक लड़की को खुश करने के लिए दुनिया भर की लड़कियों का दिल क्यों तोड़ू? नो 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 वे, दैट्स क्रूअल। मामू यू आर टू मच। लेकिन हमें तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी, तुम्हारे मम्मी की बात तुम्हारे दिमाग में उतर गई। अभी फौरन फोन उठाओ और समीर से बात करो। हाँ। एक बात कहूं मैं, कभी कभी एक छोटी सी हलो बड़े से बड़े शिकवे को दूर कर सकती है। चलो चलो चलो, फोन करो। मैंने बहुत ट्राई किया मामू, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ है। आई थिंक ही इज फेल्ट बैड। मैंने उससे ठीक से बात भी तो नहीं की। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। Now he has started feeling bad. तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, फोन उठाओ उसके घर में, फोन कर दो। मैं वो नहीं कर सकती मामू, किसी और ने फोन उठाया तो। तो तुम्हारा मामू किस दिन काम आएगा? हम फोन करते हैं, नंबर बताओ। किसी और ने उठाया तो मामू? तो मैं कह दूंगा कि मैं स्पीक टू मिस्टर बिल क्लिंटन, तो वो रॉन्ग नंबर समझ के फोन काट देगा। लेकिन मामू आप उसकी आवाज कैसे पहचानोगे? Very simple. अगर आवाज सुरीली हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि यह आवाज समीर की है, और अगर आवाज बेसुरी हुई तो मैं समझूंगा कि यह आवाज उसके पापा की है। मामू अरे भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहां रह गए थे तुम? मैंने तुमसे ऑफिस में बताया था ना कि आरिफ और शाहिर आने वाले हैं। अबू मैं तो बस। मैं तो क्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वक्त की पाबंदी को समझो। जी। और समीर कहाँ रह गए थे? हम तो आप ही से मिलने आए हैं। हमारे आने से समीर को क्या फर्क पड़ता है, है ना समीर? अब मैंने आपको सॉरी बोल दिया ना, फंस गया था, गलती हो गई। समीर, शाहिन। अच्छा समीर बताओ क्या हो रहा है? बस वही सब कुछ, आप सुनाइए। बहुत दिनों बाद आए। हाँ, बहुत दिनों से अम्मा के हाथ का बना खाना नहीं खाया था। हेलो। हेलो समीर, मैं आरिफ बोल रहा हूँ। आरिफ भाईजान बात करिए ना। जी मैं महक का मामा बोल रहा हूँ। मैं स्पीक टू समीर प्लीज। नहीं वो मुमकिन नहीं है। तो आप उनसे कह देंगे कि महक का फोन था? जी हाँ। अम्मी का फोन था, वो फिक्र कर रही हैं। हमें एक घंटे पहले ही घर पे होना चाहिए था। तब तो तुम्हें चलना चाहिए भी था। जी। खुदा हाफिज़ अब्बू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। महक को फोन कर लेना। किसका फोन था? समीर के लिए फोन था। कोई उस लड़की का तो नहीं था? लड़की नहीं शाहिन, महक। महक नाम है उसका। आरिफ। कम ऑन शाहिन, तुम्हारे अब्बू की मौजूदगी में मैं और क्या कर सकता था? I could have got him into trouble. आरिफ प्लीज, तुम इस मामले से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। एंड प्लीज डोंट एनकरेज समीर, नहीं तो अबू। अबू क्या कहेंगे? कम ऑन शाइन, समीर इज अ ग्रोन अप मैन।
कब तक तुम लोग से ये कहकर डराते रहोगे कि अब्बू ये कहेंगे अब्बू वो कहेंगे? हाँ नहीं आरिफ, मैं अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ। He might be an unreasonable man, लेकिन इस बार वो सही है। I pity him. Pity him? For what? For God's sake, आरिफ, वो लड़की हमारे मजहब की नहीं है। और तुम ही तो कहा करते थे ना कि समीर अब बड़ा हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है उसका ये पागलपन कब तक चलेगा? और अगर ये पागलपन ना हुआ तो क्या होगा? कौन शाहिन, जो सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा है वो पागलपन या मजाक नहीं है? तो फिर वो एक ऐसी राह पर निकल पड़ा है जिसकी कोई मंजिल नहीं। ये सरासर बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान में इस किस्म के फैसले सिर्फ बुजुर्ग किया करते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ और समीर के साथ भी वही होगा। अबू जानते हो क्या कर रहे हैं। जिस तरह मैं आज तुम्हारे साथ खुश हूं उसी तरह समीर भी उस लड़की के साथ खुश होगा जिसे अबू पसंद करेंगे। कम ऑन शाहिन, हमारी बात अलग है। हमने पहले शादी की बाद में मोहब्बत की, जबकि समीर मोहब्बत कर चुका है और किसी एक से मोहब्बत करने के बाद किसी दूसरे के साथ जिंदगी बिताना नामुमकिन है। और ये बात तुम्हारे अब्बू को भी माननी पड़ेगी। हेलो महक। हाँ आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें शादी में आना चाहिए था ना? हाँ मैं, मुझे शादी में आना चाहिए था। मुझे ऐसी बहुत सी चीजें करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की। कभी अब्बू के डर से, कभी अपनी लापरवाही की वजह से। लेकिन मैं पिछले चंद दिनों के गैर यकीनी हालात ने मुझे एक सच्चाई का एहसास दिलाया और वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I really love you. मैं, तुम जानती हो मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से डरता हूं? अबू से? नहीं मैं, तुम्हें खोने से। जब कभी तुम्हें खोने का ख्याल मुझे घेरता मेरे आसपास मायूसी और बेबसी की दीवारें खड़ी हो जाती। दूर दूर तक वीराने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और मैं बेबस रहना नहीं चाहता। समीर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अब ये मामला हम दोनों के बीच में नहीं रहा है। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं जानता हूं, मैं सब इवेंचुअलिटी फेस करने को तैयार हूं। बस तुम मेरे साथ रहो। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ समीर, बस तुम्हें ही नहीं समझा। I know. I love you, समीर। महक, thank you. Thank God. कल सागर का फोन आया था। अच्छा, उसने 3 बार फोन किया पिछले हफ्ते।
वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था। उसको मेरी तरफ से हेलो बोल देना। महक, तुम मुझसे कब मिल सकती हो? कल मिल सकती हो? वो मैं कल फोन करके तुम्हें बताऊं। महक, प्लीज ट्राई एंड मीट मी टुमारो। आई विल। बाय। बाय। महक। आई लव यू। मी टू। बाय। बाय।